नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक RPSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अनएकेडमी जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो आप भी अनएकेडमी के साथ जुड़कर बढ़िया आनंद ले सकते हो और अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हो। मैं आपका दोस्त मूलचंद कुमावत अनएकेडमी की लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा ले सकते हो अनएकेडमी के साथ ज्वाइन होकर। दोस्तों, अनएकेडमी के साथ आप अगर आप जुड़ते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, जिसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको स्टडी करवाई जाएगी, जिसमें आप डाउट डिस्कस आराम से ऑनलाइन कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको अपनी तैयारी का स्तर जानना है तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, जिसमें आपको क्वेश्चनों का अथाह भंडार मिलेगा, जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में सीमित टाइम तक आप कितनी भी बारी से देख सकते हो बिना किसी अदर चार्ज के। दोस्तों, RPSC के द्वारा बड़े सुनहरे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अगर आप इसमें 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मात्र 7,000 रुपये में, और अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मात्र 8,400 रुपये में। और दोस्तों, अगर आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 12 मंथ का कोर्स मात्र 6,300 रुपये में और 24 मंथ का कोर्स मात्र 7,560 रुपये में। मोबाइल रिचार्जशिप सस्ते कोर्स है। दोस्तों, आज ही अपना सिलेक्शन फाइनल करने के लिए, सिलेक्शन पक्का करने के लिए अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते, हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु, आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, और वह है लोक नृत्य। तो दोस्तों, आज क्या करेंगे? आज तो होगा भंगड़ा, आज तो होगा नृत्य। तो दोस्तों, बिल्कुल आराम से तैयार हो जाओ, टॉपिक पढ़ेंगे बड़े मजे से, और क्लास में ही आपको पूरे के पूरे नृत्य याद करवाने की गारंटी देता हूँ। अगर आप शिद्दत से मेरी क्लास ले रहे हो तो आराम से आपको ये नृत्य यहीं पर याद हो जाएंगे। दोस्तों, हमने जो पटवार की मुहिम चालू की थी कि सिलेक्शन बैच पटवार, जिसमें GK का पोर्शन मैं ले रहा हूँ और मेरे साथी गुरु मुकेश सैनी जो साइंस और आपके मैथ्स का क्लास ले रहे हैं, तो आप मेरी क्लास के बाद में उनकी भी क्लास लेना नहीं भूले। तो दोस्तों, आज अपने बात होगी केवल लोक नृत्य की। किसकी? लोक नृत्य की। तो बिल्कुल, क्योंकि अब सबसे पहले बात है नृत्य क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं नृत्य क्या होता है। देखो दोस्तों, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सब प्रकार क्या होते हैं? नृत्य ही होते हैं। भंगड़ा करना, ये सब क्या होते हैं? नृत्य होते हैं। लेकिन दोस्तों, नृत्य भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो उनमें कौन से नृत्य क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, संपूर्ण डिटेल देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा गहनता से पढ़ना जरूरी है, और जो पढ़ाई आपको करवाई जा रही है उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई करवाई जा रही है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर क्लास ले रहे हो, प्रॉपर पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, सीधी सी बात है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, अपने को भी इतिहास रचना की बार तो कि मनुष्य जीवन अगर लेकर पैदा हुए हैं तो कुछ कर गुजरना है, ऐसे नहीं रोटी खाई मर गए। नहीं, मेरे जो विद्वान बच्चे हैं उनको बिल्कुल विद्वान बना दूंगा और की बार पटवार बढ़ा के मानूंगा, केवल आपको साथ देना है। अरे छोरो, समझ में आ रही है बात? चलो देखते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। क्या है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो क्या है? कथक। ये अपने को पता होना चाहिए थोड़ा सा कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। देखो, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य क्या होते हैं। देखो, लोक नृत्य में तो हाथ पैर आप जैसे भी हिला रहे हो, क्या हो रहा है? नृत्य हो रहा है। जैसे DJ बजता है
और जाके जाके कूदते हो कि काले हो कूद पड़े हो मेला में, जैसे ही जाके वो बजता है गाना और तुरंत जाके कूदते हो, तो वो तो क्या होता है, नृत्य होता है। और एक होता है शास्त्रीय नृत्य, क्या होता है शास्त्रीय नृत्य, जिसमें बिल्कुल लय ताल के साथ नृत्य किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। क्या नाम है? कथक। और आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पैरों के घुंघरू वगैरह बांध के ओरछा लगता है, वैसे नृत्य किया जाता है, वो होता है कथक। तक तक दिन 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 ता, तक 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 दिन दिन ता, ऐसे। और ऐसे वो ताल बजती रहती है, और ताल के ऊपर नृत्य किया जाता है। बड़ा ही अच्छा नृत्य होता है और बड़ा ही ख्याति प्राप्त नृत्य है ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्राप्त नृत्य है, ऐसा नृत्य है। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में कथक शैली का उद्भव राजस्थान से हुआ है। अगर प्रश्न पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में कथक शैली का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो संपूर्ण भारत में कथक शैली का उद्गम जो हुआ है वो मारू राजस्थान से हुआ है। कहाँ से? मेरे राजस्थान से हुआ है। इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसको मंगलमुखी नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, मंगल शुभ अवसर होते हैं उसके ऊपर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे मंगलमुखी नृत्य कहते हैं, क्योंकि इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका उद्गम दोस्तों जयपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जयपुर से। और अतः जयपुर घराना इसका नृत्य का आदिम घराना। क्या है? आदिम मतलब प्राचीन घराना क्या है? जयपुर है। तो अगर दोस्तों पूछे आपको कि कथक नृत्य का आदिम घराना क्या है, तो आदिम घराना है जयपुर। और दोस्तों पूछ ले आधुनिक घराना क्या है, तो आधुनिक घराना है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। इस नृत्य के प्रवर्तक है भानु जी। कौन है? भानु जी। भानु जी के द्वारा ही इस नृत्य को प्रारंभ किया गया था, इसलिए इस नृत्य के जो प्रवर्तक है वो कौन है? भानु जी है। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों नृत्य को तरीके से पढ़ने के लिए और तरीके से याद हो जाए, उस प्रकार से चार पार्टों में डिवाइड किया है कि लोक नृत्य। और लोक नृत्य में सबसे पहले आप जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य, फिर पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य, फिर पढ़ेंगे जातीय नृत्य, और फिर पढ़ेंगे जनजातीय नृत्य। तो दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य का मतलब यह है कि क्षेत्र विशेष पर, अपने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग नृत्य किए जाते हैं, तो क्षेत्र विशेष के। फ्रेंड्स तो क्षेत्रीय नृत्य कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्षेत्रीय नृत्य। व्यावसायिक जो नृत्य पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं उन्हें व्यावसायिक नृत्य कहते हैं, और जातियों द्वारा और जनजातियों द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें जाति और जनजाति नृत्य कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने देखा कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। क्या है? कथक। और संपूर्ण भारत में कथक शैली का जो उद्गम हुआ है वो राजस्थान से हुआ है, और इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं क्योंकि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? मांगलिक अवसरों के ऊपर किया जाता है। दोस्तों आगे बात आती है कि इसका जो उद्भव हुआ है, इसका जो आदिम घराना है वो जयपुर घराने को माना जाता है, और इसका जो प्रवर्तक है वो बानूजी महाराज है। कौन है? बानूजी महाराज है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। कि सबसे पहले बात आती है क्षेत्रीय लोक नृत्यों की। किसकी आती है? क्षेत्रीय लोक नृत्यों की। और क्षेत्रीय लोक नृत्यों में जो आता है वो आता है गेर नृत्य। क्या आता है? गेर नृत्य। जो गेर नृत्य होता है ये होली के दूसरे दिन, कब दोस्तों? होली। पता है आपको होली कब आती है? फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन होली आती है, तो होली के दूसरे दिन यह प्रारंभ होता है। और यह नृत्य बाड़मेर व मेवाड़ में सर्वाधिक होता है। कहां पर होता है? बाड़मेर में और मेवाड़ में ये सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों गेर नृत्य होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है, और यह नृत्य बाड़मेर और मेवाड़ में किया जाता है। और दोस्तों ये गेर नृत्य भी दो प्रकार का होता है, एक होता है तलवारों की गेर और एक होती है आगी बागी की गेर। एक होती है आगी बागी की गेर। दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, तलवारों की गेर याद वैसे रह जाएगा आपको, क्योंकि जो उदयपुर मेवाड़ में आता है, और मेवाड़ आपको पता है शुरू से ही तलवारों वाला क्षेत्र रहा है, जहां पर हमेशा तलवारें बजती रही है, क्योंकि मेवाड़ का जो
वंश था वो था सिसोदिया वंश, और वहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए थे, तो वहां पर तलवारी हमेशा ही बजती रही है। तो ये तो अपने आप याद रह जाए कि तलवारी कहां पर बजती थी, उदयपुर में बजती थी, कि मायड़ी थारो पुत कठे बो एक लिंग दीवान कठे बो महाराणा प्रताप कठे। दोस्तों उन वीरों की भूमि है उदयपुर, तो आपको अपने आप याद रह जाएगा कि तलवारों की गेर कहां पर होती थी, उदयपुर में, और आगी बागी की गेर बाड़मेर, कहां पर, आगी बागी की गेर बाड़मेर। इस वैसे ये वैब याद रख लेना तो याद रह जाएगा, रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जीके याद करने के लिए कुछ कीवर्ड होती है, उन कीवर्ड अगर आप प्रयोग करोगे तो ये जीके बहुत जल्दी याद किया जा सकता है। तो तलवारों की गेर उदयपुर और आगी बागी की गेर बाड़मेर, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये था सबसे पहला गेर नृत्य। चलो आगे देखते हैं, शेखावाटी का गीदड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है शेखावाटी का गीदड़ नृत्य। यह गांव के चौक में, दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने होली होली जब मनाई जाती है तो उसके पहले गांव के चौक में एक डांडा रोपा जाता है। क्या रोपा जाता है? डांडा, डांडा रोपण किया जाता है। तो यह गांव के चौक में होली के डांडा रोपण के बाद में प्रारंभ होता है। कब? होली के डांडा रोपण के बाद प्रारंभ होता है। और ये नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ जाएगा निम्न निम्न में से कौन सा नृत्य, प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा होता है, और आपको चार ऑप्शन दे देगा और उसमें एक नृत्य आएगा गीदड़। ये गीदड़ जो नृत्य है ये केवल और केवल किस द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा ये नृत्य होता है। तो दोस्तों यह केवल विशुद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा विशुद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में जो कुछ पुरुष होते हैं वो महिलाओं की पोशाक धारण करते हैं, और उन उन नर्तकों को गणगौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गणगौर। तो दोस्तों वापस देख लेना एक बार, शेखावाटी का गीदड़, और इस गीदड़ नृत्य के अंदर ये गांव के चौक में डांडा रोपण के बाद प्रारंभ होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में कुछ पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, और उन पुरुषों को गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। अगला आता है शेखावाटी का जिदान नृत्य, शेखावाटी का जिदान नृत्य, और दोस्तों यह नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जिदान नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों शेखावाटी के नृत्य, पहला गीदड़ हो गया, दूसरा जिदान हो गया। अगला आता है लहूर लहूर नृत्य, इसको बोलते हैं लहूर नृत्य या लहूर लहूर नृत्य, जिसमें एक अभिनेता और एक अभिनेत्री, एक अभिनेता और एक अभिनेत्री का रोल धारण करते हैं और ये नृत्य करते हैं। जैसे एक तो बन गया सलमान खान और एक बन गई कैटरीना कैफ, और जैसे गाना गाए कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, एक तू ही तो है, एक तू ही है। तो दोस्तों ये होता है लहूर लहूर। प्रश्न आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अभिनेता और अभिनेत्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है, तो यह शेखावाटी का लहूर लहूर नृत्य। अगला आता है शेखावाटी का चंग, तो चंग तो वैसे याद आप सबको, राजस्थान के बच्चे हो के और चंग नृत्य का नहीं पता, ये तो तोहीन है। तो चंग नृत्य, वो चंग बजाते हैं और पूरे गांव वाले एक चंग को लेके एक टोली से बना लेते हैं और पूरे गांव में चक्कर काटते हैं, होता है चंग नृत्य, कि चंग बाजी हो रहे। तो होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा, होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा चंग वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? चंग वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि चंग नृत्य होली के अवसर पर, हमेशा चंग नृत्य होली के अवसर पर ही होगा, और इसमें जो पुरुष होगा, पुरुष होंगे उन्हीं के द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला आता है शेखावाटी का ठप नृत्य, शेखावाटी का ठप नृत्य। तो थोड़ी तबियत खराब है, फिर भी हम पढ़ेंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, अपना लैपटॉप या मोबाइल ऑन करो और लेके बैठ जाओ, और माँ आपके हमेशा साथ हुई। बिल्कुल तैयारी ऐसी करनी है कि अब की बार सफलता पार, अब की बार पटवार पार, किसी भी हालत के अंदर। तो शेखावाटी का ठप नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर ठप वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। एक ठप एक वाद्य यंत्र आता है, उसके साथ नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका शेखावाटी का ठप नृत्य। चलो आगे देखते हैं,
कबूतरी नृत्य। दोस्तों नाम यह कबूतरी, एक छोटी सी आपको लाइन सुनाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। मारा कुआ में बोली कबूतरी ने, मारा धोई धोई बच्चिया, मार कागलो कुरा कर। आप सुनना मजा आए कमेंट जरूर करना कि मारा कुआ में बोली कबूतरी ने, मारा धोई धोई बच्चिया, मार कागलो कुरा कर। तो दोस्तों कबूतरी नृत्य जो है वो चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? चूरू का। आता सेकावाटी में ही है चूरू भी, तो कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। चूरू में पेशेवर महिलाओं द्वारा, पेशेवर जानते हो मतलब इस नृत्य को अगर कोई महिला करेगी तो पैसे लेगी, ठीक है। तो पेशेवर नृत्यों की श्रेणी में ये नृत्य आता है, व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में ये नृत्य आता है। तो चूरू में पेशेवर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? कबूतरी। जालोर का ढोल, दोस्तों खूब बार प्रश्न पूछा गया है जालोर का ढोल नृत्य। जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा। दोस्तों फिर आ गया है, ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर कि पुरुषों द्वारा, स्त्रियों द्वारा, दोनों द्वारा, तो ये पता होना चाहिए। और वैसे भी ढोल, ढोल के ऊपर तो भाई पुरुषों की हिम्मत नाचने की, महिलाओं की तो है नहीं भाई, ठीक है। तो जालोर का लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के कलाकारों का मुखिया धाकड़ा कहलाता है, जो नर्तकों में जोश भरता है। तो पता है आपको कि जब तक आप में जोश नहीं भरा जाएगा तब तक आप ही थके बैठ जाते हो। तो दोस्तों थकना नहीं है, थकना मना है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पाँव भी चलती है दुनिया, चलने को तो एक पाँव भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब तक दोस्तों आपका साथ नहीं होगा तब तक हम अकेले कितने पढ़ा लें, कितना ही कुछ ही कर लें, कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों वो दूसरा पैर आप हो, पहला हम है और दूसरा आप हो। तो जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक नैया पार नहीं लग सकती। दोस्तों नाव आप हो तो पतवार हम हैं। तो कभी आपको ऐसा पन नहीं होने देंगे, हमेशा आप में ऊर्जा बढ़ते रहेंगे। आप तो बस जोश के साथ तैयारी करते रहो, आपकी बात पटवारी पार लगाना है, ठीक है। तो जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा सीधा पूछेगा ढोल नृत्य कहाँ का है, जालोर का है। चलो आगे देखते हैं, जालोर का लुम्बार नृत्य, जालोर का लुम्बार नृत्य। देखो दोस्तों ढोल हो गया पुरुषों का, लुम्बार हो गया महिलाओं का। जालोर में दो ही नृत्य हैं प्रसिद्ध, ढोल याद रखना पुरुषों का, लुम्बार महिलाओं का। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर महिलाएं गोल घेरा बनाकर पांव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाती हुई नृत्य करती है। जैसे ही पांव हिलेगा ताली बजेगी, जैसे ही पांव हिलेगा ताली बजेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है जालोर का लुम्बार नृत्य। अगला है रण नृत्य मेवाड़। मैंने कहा था मेवाड़ तो है ही वो धरा कि जद बाघ आसरी रोटी, जद वो बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो रो सोयो तुम, वो लड़ियो घणु वो सही हो घणु, मैं वारी लाज बचाओ न दुख सुख रो साथी चित तकड़ो, छोटी सी हूं जगा जाओ। दोस्तों मेवाड़ में तो रण नृत्य होंगे भाई, वैसे भी याद ही है सबको। तो रण नृत्य कहाँ का है? मेवाड़ का। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसे सरगड़े जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति? ये जाति जरूर याद रखना, कौन सी जाति? सरगड़े जाति जाति के पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो रण नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसे सरगड़े जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। किसका? युद्ध कला। देखो नाम में क्या, रण नृत्य, तो रण के अंदर तो भाई फूल तो बरसेंगे नहीं, गाने तो सुने जाएंगे नहीं, रण में तो तलवारें बरसती है भाई, ठीक है। तो चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले को म्यू, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाले था। दोस्तों युद्धों में तो हमेशा तलवारें ही चलती है। इस नृत्य को अंग भंग तोड़ मरोड़ नृत्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें अंग भंग मरोड़ कला का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों ये था आपका रण नृत्य, आशा है समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें या जरूर लिखे कि समझ में आ रहा है सर। चलो आगे देखते हैं, मेवाड़ का हरनो नृत्य। मेवाड़ का हरनो नृत्य, मेवाड़ में बालकों द्वारा दीपावली के अवसर पर, मेवाड़ में बालकों द्वारा दीपावली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसे लोहड़ी नृत्य भी कहते हैं, इसे
लोवड़ी नृत्य भी कहते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि मेवाड़ का जो हरनो नृत्य है ये दीपावली के त्योहार पर, दीपावली के त्योहार पर छोटे छोटे बालकों के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे लोहड़ी नृत्य भी कहते हैं। अगला आता है भरतपुर का बम नृत्य। नाम भी क्या है, बम बम बम। तो भरतपुर का बम नृत्य, और इसी को बोलते हैं बम रसिया। क्या बोलते हैं, बम रसिया। तो इसके लिए थोड़ी सी दो पंक्तियां सुना देता हूं मैं आपको। रसिया कि एक जो पत्नी होती है वो अपने पति को बोलती है रसिया। क्या बोलती है, रसिया। और मेरे को यहां पर कुमार विश्वास की चार पंक्तियां याद आ रही है, तो वो आपको सुना देता हूं। कि कोई दीवान ना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवान ना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस ये बादल समझते हैं, मगर धरती की बेचैनी ये बादल समझते हैं। तुम उससे दूर कितनी है मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तुम उससे दूर कितनी है मैं तुझसे दूर कितना हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। दोस्तों ये एक पंक्तियाँ होती है जो एक लड़की द्वारा, एक लड़के के लिए, एक पत्नी द्वारा अपने पति के लिए गाई जाती है। तो भरतपुर का बम नृत्य भी कुछ ऐसे ही है। भरतपुर में प्रचलित नृत्य जिसमें एक बड़े नगाड़ा प्रयोग होता है, एक बहुत बड़ा नगाड़ा आता है उसका प्रयोग होता है। तो भरतपुर में प्रचलित नृत्य जिसमें एक बड़े नगाड़ा का प्रयोग होता है जिसे बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। नृत्य के दौरान स्त्रियां रशिया नामक गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है, रशिया नामक गीत गाती है। अतः इस नृत्य को बम रशिया कहते हैं। दोस्तों पता होना चाहिए आपको, एक बड़ा नगाड़ा बजता है और नृत्य के अंदर स्त्रियां गीत गाती है, रसिया गीत गाती है। और जैसे ही महिलाएं गीत गाती है पुरुषों को क्या है, बहुत अच्छे से ठीक है, वो बहुत तरीके से नाचते हैं, बहुत तेज तेज नाचते हैं ठीक है। इसी को बोलते हैं बम रसिया। अतः इस नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब किया जाता है यह, फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन पर किया जाता है। यह फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने को पता होना चाहिए। अगला है भरतपुर का हुरंगा नृत्य। भरतपुर का हुरंगा नृत्य, तो अपने को पता होना चाहिए कि भरतपुर में जो हुरंगा नृत्य भी होता है भाई, ठीक है। भरतपुर वालों सुन लो भाई जल्दी से, कि भरतपुर में हुरंगा नृत्य होता है। और हुरंगा नृत्य की खास बात यह है कि पुरुष और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से, पुरुष और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक नृत्य किया जाता है। कब, चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक नृत्य किया जाता है। तो यह है दोस्तों भरतपुर का हुरंगा नृत्य। अगला आता है भरतपुर का चारकुला नृत्य। भरतपुर का चारकुला या चरकुला नृत्य भी इसको कहते हैं। और दोस्तों जो चरकुला नृत्य होता है एक महिला प्रधान नृत्य होता है। कैसा होता है, महिला प्रधान नृत्य होता है। महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर उस पर दीपक जलाकर नृत्य करती है। मतलब नृत्य ऐसा देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही कठिन नृत्य है और बड़ा देखने में आनंद आता है। तो कभी भरतपुर में जाओ तो चारकुला नृत्य जरूर देख कर आना। ये शुभ अवसरों के ऊपर किया जाता है। महिलाएं सिर के ऊपर एक बर्तन रखती है और उसमें उसके ऊपर दीपक जलाकर नृत्य करती है। और इतना बेहतरीन नृत्य है कि दीपक गिरते नहीं है, बर्तन बिल्कुल अच्छी तरीके से सिर के ऊपर रहता है। चलो आगे बात करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कतियार सर बीकानेर का अग्नि नृत्य। कहाँ का, कतिया सर बीकानेर का अग्नि नृत्य। तो दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, कतिया सर बीकानेर जो है वो संत जसनाथ जी की, जो संत जसनाथ जी थे उनकी स्थली रही है कतिया सर बीकानेर। और जसनाथ जी के द्वारा यहाँ पर जसनाती संप्रदाय चलाया गया। कौन सा, जसनाथ जी के द्वारा यहाँ पर जसनाती संप्रदाय चलाया गया। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक आर का अंगारों का ढेर होता है और अंगारों के ढेर के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों कतिया, सीधा प्रश्न आता है कि अग्नि नृत्य कहाँ का है, कतिया से बीकानेर का है, किसके मेले में किया जाता है, जसनाथ जी के मेले में किया जाता है। क्या होता है कि अंगारों का एक ढेर होता है और उस पर जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो नंगे पैरों से उन अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं, फतेह 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 करते हुए कूद जाते हैं, लेकिन उनके पैर जलते नहीं हैं। ये खास बात है दोस्तों,
राजस्थान में पता नहीं कैसी कैसी शक्तियां हैं, राजस्थान की कला संस्कृति कितनी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को देखो, कमियों को नहीं। कमियां तो दोस्तों सब में होती है, अगर इंसान में कमी नहीं होती तो भगवान बन जाता है, इसलिए कमी तो सब में होती है। इसलिए आपको हमेशा इंसान की अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए, कमियां नहीं। तो इस संस्कृति की भी आपको अच्छाइयां ढूंढनी है, कमियां नहीं। और इसको गंदा करने वाले भी हम लोग ही हैं, तो हमको ऐसा काम नहीं करना है कि संस्कृति गंदी हो। संस्कृति जितनी अच्छी होती है उतना ही राज्य का विकास ज्यादा होता है, इंसान का विकास ज्यादा होता है। तो दोस्तों मुख्य बात यह है कि अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। धूना तो राजस्थान वाले धूना नहीं जाने, सब जानते हैं भाई, बाबा जी को होता ही धूना ही है। तो अंगारों के ढेर को धूना कहा जाता है। गुरु की आज्ञा मिलते ही नर्तक, मैंने कहा था वो सिद्ध पुरुष जो होता है उसको नर्तक बोलते हैं। गुरु की आज्ञा मिलते ही नर्तक फतेह 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 करते हुए धूने के अंदर प्रवेश करता है और नृत्य करता है। और बड़ा गजब का नृत्य होता है, देखने पर बड़ा मजा आता है। एक तरफ डर लगता है, दूसरी तरफ देखने में बड़ा मजा आता है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं भाई, ये पता होना चाहिए कि जो खतरनाक वाले डांस होते हैं वो पुरुष ही कर सकते हैं भाई, और जो आनंद वाले डांस होते हैं वो महिलाएं कर सकती हैं, जिनमें कला रूप देखी जाती है। पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, मैं चलाओ भाई, काले कूद पड़े हो, कूद गए भाई एक साथ ही, वो चला दिया, छोटा थारा ब्याह में नाचू ली सारी रात, तो ऐसे गाड़ी चला देते हैं, कूद लेते हैं भाई। लेकिन कुछ भाई पुरुषों में भी कुछ कलाएं होती है, जैसे रिस्क लेते हैं, और पतियासर बीकानेर में जैसे अग्नि नृत्य हैं, इसमें जो नर्तक होते हैं केवल पुरुष ही होते हैं। यह नृत्य क्षेत्र व फाल्गुन माह में किया जाता है। दोस्तों पहली बात बता दूं मैं आपको कि संत जसनाथ जी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, एक चैत्र मास में, एक फाल्गुन मास में। कब? एक चैत्र मास में और एक फाल्गुन मास में, ये अपने को पता होना चाहिए। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। किसने? बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने इसको संरक्षण दिया। मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की पहली नहर गंग नहर का निर्माण जो गंगा सिंह थे उन्होंने ही करवाया था, इसलिए गंगा सिंह को आपके राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अगला आता है दोस्तों जोधपुर का डांडिया नृत्य। किसका? जोधपुर का डांडिया नृत्य। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, तो डांडिया सब जानते हो आप। मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य, जिसमें पुरुष नर्तकों द्वारा किस द्वारा पुरुष नर्तकों द्वारा हाथों में लंबी छड़ियां लेकर, हाथों में लंबी छड़ियां लेकर टकराते हुए नृत्य किया जाता है। और नवरात्र वगैरह में पुरुष और स्त्रियों द्वारा भी नृत्य किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो दोस्तों ये नहीं करना है कि भाई जयपुर में तो भाई पुरुष और स्त्रियां दोनों ये नृत्य करती है, नहीं। मुख्य रूप से मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें पुरुष जो नर्तक होते हैं वो हाथों में लंबी छड़ियां लेते हैं और आपस में टकराते हुए ये नृत्य करते हैं, ऐसे ऐसे। गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का है। दोस्तों इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। गुड़ला नृत्य कभी जिंदगी में बोलोगे नहीं। ये तो सबको पता है कि गुड़ला नृत्य किया कब जाता है? होली के त्योहार पर किया जाता है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था, जो मारवाड़ में, मारवाड़ मतलब जोधपुर, तो वहां पर क्या था, गणगौर का त्योहार था, और गणगौर के त्योहार पर 140 कुंवारी कन्याएं जो है वो मारवाड़ में पीपार नामक स्थान था। कौन सा था? पीपार नामक स्थान। तो मारवाड़ में 140 कुंवारी कन्याएं पीपार नामक स्थान पर गणगौर की पूजा करने के लिए जल लाने गई थी। क्या करने के लिए गई थी? जल लाने के लिए गई थी। और उसके बाद में हुआ क्या कि जो मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक, उसका सेनापति गुड़लेखा उधर से गुजर रहा था। मेवाड़ का जो शासक था उसका सेनापति जो था गुड़लेखा, वो उधर से गुजर रहा था। तो गुड़लेखा की अचानक दृष्टि उन कन्याओं के ऊपर गिरी और उसकी नीयत खराब हो गई। तो गुड़लेखा ने क्या किया, इन 140 कुंवारी कन्याओं को बंदी बना लिया और वहां से ले गया। जैसे इस बात का पता, जैसे ही इस बात का पता मारवाड़ के शासक सातल देव को चला, तो सातल देव वहां से सेना लेकर निकल उठा, क्योंकि ये मारवाड़ की आन बान और शान का मतलब था। करे तो करे क्या, अगर इन लड़कियों को नहीं बचाया गया तो मारवाड़ का जो मान है, सम्मान है, उसकी धजियां उड़ जाएगी।
दोस्तों हुआ क्या, समझना जरा ध्यान से। जो शासक सातल देव था वो सेना लेकर गया और जाके कुरलेखा को पकड़ लिया, और आओ देखा ना, ताव युद्ध के अंदर घायल तो सातल देव भी हुआ था, लेकिन आओ देखा ना, ताव कुरलेखा की गर्दन उड़ा दी और गर्दन को उसी तालाब के किनारे लेकर आया और उसमें बाण से इतने छेद किए, इतने छेद किए, क्या बन गया, गरुलिया बन गया। क्या बन गया? गरुलिया। दोस्तों अपने गणगौर के त्योहार पर जो लड़कियां होती हैं वो सिर पर एक मटकी रखती है, उस मटके के चारों तरफ छेद होते हैं, वो छेद इसीलिए रखे जाते हैं कि जो सातल देव था उसने उसकी गर्दन के छेद किए थे, तो वो छेद रखे जाते हैं और लड़कियों द्वारा गीत गाए जाते हैं और गरुलिया घुमाया जाता है कि मारा गरुलिया के बांध लो सूत गरुलियो घूम लो, घूम लो सारी सारी रात गरुलियो घूम लो। तो दोस्तों ये था आपका गुड़दा नृत्य। लेकिन प्रश्न क्या आता है, प्रश्न दोस्तों आज तक ये पूछा गया है कि घुड़ला नृत्य कब किया जाता है या कहाँ का प्रसिद्ध है। तो जो घुड़ला नृत्य है वो दोस्तों जोधपुर में प्रतिवर्ष गणगौर के त्योहार पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है। कब कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? घुड़ला नृत्य। आई होप समझ में आ रहा होगा। छोड़ो बोलो तो सही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीतरी करना है पेपर को अबकी बार, पटवारी क्लियर 100% क्लियर अबकी बार, पेपर फोड़ के आना है। देखते हैं आगे। आगे आता है जोधपुर का सांझी नृत्य, आगे आता है जोधपुर का सांझी नृत्य। तो दोस्तों क्या होता है, ये केवल स्त्रियों द्वारा होता है, ये केवल स्त्रियों का नृत्य है, और मांडलगढ़ सॉरी जोधपुर का सांझी नृत्य केवल स्त्रियों का नृत्य है। अगला आता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के सींग वाले शेरों का नृत्य, नाहर नृत्य, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो नाहर नृत्य दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, मांडल या मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है, होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को, होली के दोस्तों ये भी पता रखना, होली आ रही है, दीपावली पूछ रहा है, कहीं पूछिए होली टिका दो दीपावली, क्योंकि ऑप्शन दीपावली जरूर होगा कि दीपावली के 13 दिन बाद। तो होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में नृत्य किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो पुरुष होता है पुरुष को एक शेर की पोशाक पहनाई जाती है और देखने पर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कोई शेर है, और फिर नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न एग्जाम में यही पूछा जाता है कि शेरों का नृत्य नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे आता है होली, अगला आता है ब्यावर का मयूर या भैरव नृत्य, ब्यावर का मयूर या भैरव नृत्य। ब्यावर में बादशाह मेला के दौरान, ब्यावर का जो बादशाह मेला बड़ा प्रसिद्ध मेला है, तो ब्यावर में जो बादशाह मेला है उस बादशाह मेला के दौरान बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाले व्यक्ति जो नृत्य करता है। समझना जरा जरा क्वेश्चन को आराम से, कि ब्यावर में बादशाह मेला के दौरान जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो एक बीरबल बनता है भाई, और बीरबल का जो पात्र निभाने वाला व्यक्ति होता है वो नृत्य करता है, और उसे ही मयूर नृत्य या भैरव नृत्य कहते हैं, उसे ही मयूर नृत्य या भैरव नृत्य कहते हैं। छोड़ो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो तो सही, चुपचाप कैसे बैठे हो, कमेंट्स करो, लाइक करो। चलो तो उसे मयूर नृत्य या भैरव नृत्य कहते हैं। बादशाह का रूप अकबर का नवरत्न टोडरमल होता है, बादशाह का रूप अकबर का जो नवरत्न था उसमें एक था टोडरमल, तो वो होता है। दोस्तों ये था आपका ब्यावर का मयूर या भैरव नृत्य। चलो आगे आता है बांसवाड़ा का फेजन नृत्य, बांसवाड़ा का फेजन नृत्य। यह वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको पता होगा बागड़ और वागड़, तो बागड़ प्रदेश है वो तो शेखावाटी, बागड़ प्रदेश है शेखावाटी, और वागड़ प्रदेश है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, यह वागड़, तो पता होना चाहिए प्रश्न, ये भी खूब पूछा गया एग्जामों के अंदर, पूछा है बागड़ बच्चे टिका देते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, पूछा है वागड़ टिका दिया शेखावाटी, तो ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा।
धन्यवाद। चलो बात करते हैं, यह दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा नारी का रूप धारण करके किया जाता है। यह दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, नोट्स बना रहे हो तो लिखना जरूर, पुरुषों द्वारा नारी का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। कौन सा? फेजर नृत्य। अगला आता है पालिनोस नृत्य। कौन सा? पालिनोस नृत्य, केवल विवाह के अवसर पर। तो पालिनोस भी कहां का है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ज्यादातर आदिवासी जनजातियां रहती है यहां पर, तो केवल विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, पालिनोस नृत्य। अगला आता है दोस्तों बिंदोरी। बिंदोरी तो जानते ही हो आप, ठीक है, खूब नाचियो बिंदोरियों में, खूब जिम्मियों बिंदोरियों के अंदर, ठीक है, कभी तेजा जी कीर, कभी भूम्या जी कीर, कभी गुंगा जी कीर, कभी किसकी बिंदोरियाँ आती रहती है, फिर शादी में बिंदोरी अलग। तो दोस्तों वो होता है बिंदोरी नृत्य। तो दोस्तों बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का है। झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है बिंदोरी, जो होली एम होली, देखो बिंदोरी होली पर भी निकाली जाती है, विवाह के अवसर पर भी बहुत बिंदोरी निकाली जाती है, अपने लोग देव देवताओं में निकाली जाती है बिंदोरी। तो आपको याद रखना है बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। चलो आगे आता है ढोला मारू नृत्य। कौन सा? ढोला मारू। अब ढोला मारू वो मत याद रखना, वो छोटा सा आता है ढोला मारू पीने वाला, 25 रुपए वाला, कि ढोला मारू ले लिया और डांस करने लग गए, उससे तो बिना तान आई तान आ जाएगी, ढोला मारू लेते ही तो, ठीक है। तो ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का है दोस्तों, कहाँ का है? झालावाड़ का है। ये भवाइयों का प्राचीन खेल नृत्य है, एक भवाई जाति होती है अपने, उन भवाइयों में खेल नृत्य, इसमें देखने पर ऐसा लगता है कोई खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है? नृत्य होता है। अगला होता है दोस्तों डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। और ये कहां का प्रसिद्ध है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डांग नृत्य श्रीनाथ द्वारा राजसमंद का नृत्य है। होली के अवसर पर श्रीनाथ जी की आराधना में, होली के अवसर पर श्रीनाथ जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। दोस्तों ये अपने कुछ होली है जो बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो डांग नृत्य हो गया, नाथ द्वारा राज संबंध का, एक होती है देवर भाभी की होली जो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? ब्यावर और अजमेर की ये प्रसिद्ध होती है, प्रसिद्ध है। एक कोड़ामार होली, खूब पूछा गया प्रश्न, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की है? ये बिनाय अजमेर की है। इसमें होता क्या है? इसमें जो देवर भाभी की होली होती है, इसमें तो क्या होता है, जो देवर होता है वो पिचकारी से भाभी के ऊपर रंग फेंकता है, और भाभी क्या करती है, उसको एक एक लाठी लेके उससे मारती है। तो दोस्तों देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की है, कोड़ामार होली जो है वो बिना अजमेर की है, लट्टमार होली जो है वो आपकी बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। ये भी अपने को पता होना चाहिए। खारी नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, खारा ये भाई नृत्य। कौन सा? खारी नृत्य, बड़ा खारा नृत्य है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या होता है। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेवात क्षेत्र कौन सा है। तो मेवात क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहते हैं। किसको? अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहते हैं। तो खारी नृत्य कहां पर किया जाता है? मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में किया जाता है। इसमें होता क्या है जरा ध्यान से समझना। अलवर भरतपुर में जब कन्या की विदाई की जाती है, भाई दुल्हन की जब विदाई की जाती है, तो उस समय दुल्हन की सहेलियां होती है, वो जो हरे बांस की जो अपन पशुओं को चारा डालते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, खारी। तो हरे बांस की खारी बनी हुई होती है, जो बनी हुई कलात्मक खारियां रखकर उनके ऊपर चढ़कर वो नृत्य करती है। जब दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन की सहेलियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। प्रश्न ये आता है दोस्तों, प्रश्न ये भी आता है कि दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो विदाई के समय गीत गाते हैं कोयलड़ी गीत। कौन सा? कोयलड़ी गीत। और आपको दोस्तों पता ये भी है कि जब दुल्हन की विदाई होती है तो सबकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं कि बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, रात भर बसेरा है सुबह उठ जाना है। तो दोस्तों ये होता है खारी नृत्य, तो दुल्हन की विदाई के ऊपर ये किया जाता है। अगला आता है हिंडोला नृत्य। कौन सा? हिंडोला। पुरुष व महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से नृत्य किया जाता है, अपने पूर्वजों को आह्वान किया जाता है, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको याद करते हुए पुरुष और महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? हिंडोला नृत्य। अगला आता है मोहिली नृत्य। कौन सा? मोहिली नृत्य। और मोहिली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का यह नृत्य प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा
दोस्तों याद कैसे रहेगा कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों द्वारा, तो अपने को याद ऐसे रहेगा कि मैं फॉर मोइलिन मैं फॉर महिलाएं, तो अपने को पता होना चाहिए कि महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे आता है चगोला नृत्य या चोगोला नृत्य, डूंगरपुर के अंदर। चोगोला नृत्य कहाँ का है? डूंगरपुर का है। होली के अवसर पर होली के चारों ओर गोर घेला घेरा बनाकर, जब जैसे अपने गांवों के अंदर या सिटी में होली मनाई जाती है तो ये ऐसे होली लगा दी जाती है और इस होली के ऐसे चारों तरफ ऐसे गोल घेरा बना लिया जाता है और इसके ऊपर जैसे ये लोग खड़े रहते हैं। अब ये चारों तरफ घूम घूम के नृत्य करते हैं। तो चोगुला नृत्य जो है दोस्तों, को थोड़ा करेक्शन करना, चोगुला है ये, चोगुला डूंगरपुर के अंदर। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर होली के चारों ओर गोल घेरा बनाकर स्त्री पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग नृत्य है, देखोगे बड़ा मजा आएगा। अगला है कानूड़ा नृत्य। कौन सा है? कानूड़ा नृत्य। और कानूड़ा नृत्य जो है ये चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। और कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा? महिला पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये आज अपने देखे क्षेत्रीय नृत्य, और क्षेत्रीय नृत्य में जो अंतिम नृत्य आता है वो है कानूड़ा नृत्य। और आपने देखा होगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जैसे कृष्ण जी का जन्म होता है, जैसे ही कृष्ण जी का जन्म होता है तो ये नृत्य किया जाता है स्त्री और पुरुषों द्वारा। राजस्थान में जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। दोस्तों चौहटन के बारे में आपको एक प्रश्न और पता होना चाहिए, यहाँ से आ गया है तो बता देता हूँ, यहाँ का गोंद बड़ा प्रसिद्ध है। सर्दियों में अब भाई लड्डू ही बनेंगे तो गोंद जरूर डालना, उसके अंदर टेस्ट बड़ा अलग ही आता है, बड़ा मजे वाला टेस्ट आता है। तो चौहटन का गोंद बड़ा प्रसिद्ध है। तो कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिला पुरुष द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज अपन ने देखे क्षेत्रीय नृत्य, आज अपन ने कौन से नृत्य देखे? क्षेत्रीय नृत्य। तो बड़ा एक एक करके अपन ने अध्ययन किया। दोस्तों अगर मैं चाहता तो एक ही क्लास में इनको पूरा भी करवा सकता था, लेकिन ऐसी पढ़ाई अपने को नहीं करनी है कि पढ़े भी प्रश्न में नहीं आई। आपने अगर मेरे पे विश्वास किया है तो मैं आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। जब पेपर आए तब चेक करना कि पढ़ाई में से जो कि तो लाइन नहीं मिले तो बोल देना गुरु जी क्या पढ़ा दिया। और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह आपको पूरा स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, तो आराम से बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो और अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर मंजिल होगी अपनी, हर मंजिल होगी अपनी, ऐसे सफर का इरादा कर लो। हर मंजिल होगी अपनी कि ऐसे सफर का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला, ना हारेंगे हौसला जिंदगी भर। खुद से ये वादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो। जब तक आप अपने से ये वादा नहीं करोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, कि अब की बार मेरे को मंजिल पर फतह हासिल करनी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मंजिल जो है उस मंजिल को अपनी औकात दिखानी है। समय आ गया है कि मंजिल बढ़ी या हौसले बढ़े, तो अपने को अपनी मंजिल जरूर हासिल करनी है। और बिल्कुल जुड़े रहो और इसी प्रकार से तैयारी करते रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और जब पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो तब पता चलेगा कि भाई आप किसके साथ जुड़े थे, कैसे तैयारी की थी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे को इतना ही चाहिए कि आप क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना नहीं भूलें। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास अपन ने देखी, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।